ग्रीन सॉइल में आज का जो टॉपिक है वो ऐसे प्लांट पे है जिसको काफ़ी विवादित माना गया है, माना मतलब सोचते हैं काफ़ी लोग उसको घर में लगाएं ना लगाएं, क्योंकि इसके साथ कुछ धारणाएं तो ये कहते हैं कि इससे पॉजिटिव एनर्जी आती है और कुछ धारणाएं ये कहती है कि पॉजिटिव एनर्जी नहीं आती है, या फिर या तो भूत प्रेत या फिर पूर्वजों की आत्माओं को ये आकर्षित करता है, या घर में जो बुरा क्लेश होता है उसको आकर्षित करता है। तो ऐसे प्लांट पे हम आज बात करने वाले हैं। तो बात इस प्लांट का नाम है बरगद का पेड़। तो बरगद का पेड़ क्या है कि काफ़ी लोगों की धारणा ये रहती है कि घर में नहीं लगाना चाहिए, काफ़ी विवादित रहता है, काफ़ी लोग इसे बिल्कुल पसंद नहीं करते, काफ़ी पुरानी लेडीज़ तो समझ लीजिए घर में उग भी गए तो उखाड़ के फेंक देती हैं। ऐसे पीपल भी उसी कैटेगरी में आता है। तो मैंने तो देखिए दो बरगद के पेड़ घर में लगा रखे हैं, उनको लगाए हुए मेरे को अभी 3 साल हो गए हैं। क्योंकि जैसे हमारे हिंदू धर्म में क्या होता है कि बड़ के पेड़ की भी पूजा होती है, एक बड़ पूजा करके आती है जिसमें मेरी वाइफ इनकी पूजा भी करती है। तो उस दिन हम इन पॉट को नीचे मंदिर में रख देते हैं और वो इनमें फिर कलावा बांध के इनकी पूजा भी करती है उस दिन। तो कभी कभी लगता है कि एक तरफ इनको हम इतना नेगेटिव समझते हैं कि घर में एक जगह भी नहीं दे रहे, और अगले ही पल एक ऐसी एक पूजा आती है जिसमें हम इनकी पूजा करते हैं, इनको कलावा बांधते हैं, इनसे रक्षा की उम्मीद करते हैं कि हमारी रक्षा करें। तो काफ़ी विवादित धारणा है, काफ़ी लोग बोलेंगे कि सही है, काफ़ी बोलेंगे कि गलत है। तो ठीक है जैसी जिसकी रहे, पर मैं ये कहूँगा कि मेरे साथ अभी तक ये 3 साल से है, मेरे साथ तो अभी कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं हुआ है, मेरे साथ अच्छे से है। मैंने दोनों को रोड साइड से लेके आया था क्योंकि तब मैं गार्डनिंग शुरू कर रहा था, तब से ये मेरे प्लांट हैं। क्योंकि जब आप गार्डनिंग शुरू करते हैं तो आपको हर चीज़ का प्लांट पसंद आता है, उस वक्त उठा के ले आते हैं, और अभी मेरे परिवार का हिस्सा है। आप सोचिए मैं इनको एज ए फैमिली ग्रो कर रहा हूँ और मैं अचानक से इनको जैसे किसी बच्चे को मैंने पाला या फिर किसी ने मुझे पाला और वो अचानक से मुझे सड़क पे छोड़ दे, तो मैं ऐसे अब इनके साथ नहीं करूंगा, ये जब तक है मेरे पास ही रहेंगे। तो देखिए मैं इनको इन दोनों प्लांट को मैं एज अ बॉन्साई ग्रो कर रहा हूँ। देखिए ये जो इसका ट्रंक है काफी मैच्योर हो चुका है, ये देखिए ट्रंक, ये जो इसकी जो मेन स्टेम थी वो ये वाली थी और ये इसकी एरियल रूट थी। तो देखिए इसमें अभी भी काफ़ी सारी एरियल रूट आई थी, तो मैंने क्या काम करा उनको इसी मिट्टी में लगा दिया ताकि ये अलग से ओल्ड लुक दे। तो धीरे धीरे ये मैच्योर हो जाएंगे और इससे भी ओल्ड लुक मिलेगा काफ़ी। देखिए काफ़ी ओल्ड लुक है, 4 साल का प्लांट है अभी, 4 साढ़े 3 साल हो गए इसे मेरे पास। और मैं इसकी अभी वायरिंग वगैरह नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बरगद के पेड़ पर वायरिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वायरिंग करते हैं तो ये नीचे से भी हिल जाता है। या तो जिस दिन मैं इसकी रूट ट्रिमिंग करूँगा उसी दिन वायरिंग होगी। देखिए ये मेरा दूसरा वाला बरगद का पेड़ है, इसकी भी मैच्योरिटी काफ़ी अच्छी हो रही है। दोनों साथ के ही हैं पर दोनों की साथ की ग्रोथ में अलग अलग फ़र्क है, ऐसा कुछ नहीं मैं कि अलग अलग खाना दे रहा हूँ, दोनों को एक ही मिलता है। देखिए इसमें भी एरियल रूट आने लगे हैं मानसून की वजह से, और इन्होंने अच्छी खासी अपनी ग्रोथ पकड़ी हुई, देखिए काफ़ी मैच्योर हो रहा है। मैं इसको नहीं छू रहा क्योंकि इसमें एरियल रूट है। तो ये देखिए अगर मैं दूर से इनके दिखाऊँ तो एक बॉन्साई पॉट में लगे हुए दोनों, और अनइवन शेप में अभी, क्योंकि मानसून है, अगर मानसून में आप इन्हें शेप देने की कोशिश करेंगे तो बेकार है, फरवरी में दो या फिर मानसून से पहले। तो अभी तो ये जहाँ जहाँ रहे ग्रो कर देने चाहिए, पर ये कि मैं इनके ट्रिम करता रहता हूँ टिप वगैरह ताकि घने होते रहें। धीरे धीरे जब ये ज़्यादा अच्छे ट्रिम होंगे, ज़्यादा मैच्योर होते जाएंगे, इनकी लीफ का साइज़ भी धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। अभी तो इनके लीफ का साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो बड़े बेढंगे से लगते हैं। पर देखिए एक चीज़ मैं और दिखाऊँ, देखिए इनकी रूट है ना, देखिए कैसे फैलने लगे हैं ज़मीन में, जगह जगह अपनी जगह बना रही है, जैसे बहुत ही पुराना पेड़ हो लुक दे रही है। देखिए इसमें भी जगह जगह ऐसे ही कर रखी है इसने। अब यहाँ इतनी बारिश हो रही है कि मिट्टी बिल्कुल भी सूखने का नाम नहीं ले रही, इस वजह से बड़ी दिक्कत हो रही है। वैसे तो ये हार्डी प्लांट है, सर्वाइव कर जाते हैं इसमें। देखिए अभी जैसे ये वाली शेप अलग निकल रही है, तो ये निकलने देना चाहिए क्योंकि इन्हीं की वजह से जो इनका स्टेम है वो धीरे धीरे मोटा होता है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ करता है। फिर मैं इनको कोई फर्टिलाइज़र नहीं दे रहा हूँ, एनपीके डाल के वो जो पुरानी मिट्टी है उसी को छान वान के इनको कर देता हूँ, क्योंकि ये इसी में ही खुश हैं, ऐसा इनको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं इसी में। तो अब फिर से बात आएगी, चलिए अपने घर में लगाएं ना लगाएं। देखिए मैंने तो लगा रखा है, सबकी अपनी अपनी है। तो आपको लगता है कि मैं लगा लूँ मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, और सोचने का फ़र्क भी है क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं मेरे लिए कुछ बुरा करेंगे, तो मेरे लिए कभी इन्होंने बुरा किया भी नहीं है। और अगर मेरे पूर्वज मतलब ऐसा कुछ होता भी है तो फिलहाल तो मुझे ऐसा कुछ हिंट मिला नहीं है अब तक, ना मेरे को रात को सोते हुए कोई प्रॉब्लम होती है, ना कोई मुझे नेगेटिव एनर्जी फील हुई है यहाँ पर, अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है मेरे साथ। छोटी मोटी प्रॉब्लम तो देखिए सबकी लाइफ में चलती रहती हैं, खुशी खुशी ऐसा कुछ हो नहीं सकता, छोटा मोटा चलता रहता है, पर स्पेशली कोई लगातार कंटिन्यू मेरे को प्रॉब्लम है ऐसा मुझे कुछ फील नहीं हुआ। आप यकीन कीजिए, देखिए मेरे पास तिलगन का भी बहुत सही है,
ये भी मैं सड़क से उठा के लाया था। ये देखिए पीपल का बॉन्साई है मेरे पास, एक पीपल का पेड़ इधर भी है, देखिए लीफ नज़र आ रही होगी, उधर भी पीपल का है। तो मेरे पास तो काफ़ी सारे पेड़ हैं। काफ़ी बोलते हैं कि नीम का पेड़ नहीं लगाना चाहिए छत के ऊपर भी, मैंने देखिए नीम का पेड़ भी लगा रखा है, तिलखन भी लगा रखे हैं मैंने, और ये सावनी भी लगा रखी है। तो काफ़ी देखिए वो छुई मुई भी लगा रखी है, छुई मुई भी बोलते हैं काफ़ी लोग घर में ही लगाने चाहिए। तो मैंने काफ़ी प्लांट ऐसे लगा रखे हैं, पर मुझे तो इनसे प्यार ही मिला है, मुझे कोई नेगेटिविटी एनर्जी नहीं मिली है, मैं तो इनके साथ खुश हूँ। और मेरी वाइफ भी काफ़ी आस्थावान है, पर वो भी कहती है कि अब नहीं फेंकना इनको, क्योंकि अब हमारे परिवार का हिस्सा है, तो वही चीज़ है। चलिए जैसा आपको ठीक लगा वैसा डिसीजन लीजिएगा, मैं कोई पर्टिकुलर किसी के लिए नहीं बोल रहा कि रखो या ना रखो, जिसकी जैसी आस्था वैसा कदम उठाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।